पहले बोलो कौन से क्वेश्चन का डाउट है। क्वेश्चन नंबर 90 90 नेक्स्ट 94 94 95 हां 97 बोलो तो भाई वही कर दे जल्दी से 100 103 104 5 106 7 चलो दो तो छोड़ दिया तुमने। लेट्स सी एटी सेवन ना 90 इधर से अभी तक चलो 90 से स्टार्ट करते हैं ठीक है। क्या बोल रहे थे? हाँ कर दो उसको होमवर्क मार्क करो पेज नंबर 44 अरे दिखता नहीं है क्या? हाँ पैसा नहीं आ रहा है क्या? अभी भी वो ये मौका है। क्वेश्चन नंबर 37 तक हो गया था बराबर। नंबर्स मैंने चेंज करा दिए यार वहां पे 38 39 40 है वो। अरे सीक्वेंस आगे पीछे हुआ था ना 37 तक फॉल हो गया था 38 से लेके 42 ऑल क्वेश्चंस होम ऑफ 38 to 42 डन। नेक्स्ट पेज एंट्री लेवल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 14 12, 13, 14 एल्यूमिनियम का रेशियो ना कुछ इस तरीके का हो रहा है एल्यूमिनियम प्लस NaOH प्लस वाटर इट विल गिव यू NaAlO2 अलोंग विद
हाइड्रोजन गैस, बराबर ठीक है। बैलेंस कर दें, एल्यूमिनियम वन, सोडियम वन, सोडियम वन, ऑक्सीजन टू, हियर ऑल्सो इट इज टू, हाइड्रोजन कितना है 1, 2, 3, हियर इट इज 2, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.5H2, इनडायरेक्टली तो वही हो गया ना 1.5 to 2 व्हाट 3। सो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन, 1:1.5 ना। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, 1 मोल ऑफ दिस विल गिव 1.5 मोल ऑफ दिस हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम का उसने किस टर्म में बोला है मास, एक मोल एल्यूमिनियम का मास क्या होता है बराबर, और हाइड्रोजन इवॉल्वेड एसटीपी वॉल्यूम माना है ना उसने, तो 1.5 मोल का, 1.5 मोल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1.5 into, क्या मैं 1.5 को 3/2 लिख सकता हूँ, 2 into 22.4 क्या हुआ, तो आंसर क्या आ गया 33.6। नेक्स्ट 91, what weight of SO2 can be made by burning sulfur in 5 moles of oxygen gas? देखो सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा SO2, बैलेंस रिएक्शन की अलग अलग है, बर्निंग सल्फर इन 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड SO2, सल्फर का तो कोई रूल ही नहीं है ना, सल्फर वो कड़ी पत्ता जैसा हो गया, जितना चाहिए उतना दिया हुआ सफिशियंट है वो, तो इन दोनों का रूल क्या हो गया, रेशियो क्या आ गया 1 मोल गिव दिस 1 मोल, तो 5 मोल विल गिव x, लिख दो x की वैल्यू क्या आ गई, बोलो आया ना 5 मोल का मतलब क्या होता है 5 into SO2 ना, सल्फर कितना होता है 32, ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 into 2 32, 32 plus 32 64, 5 into 64 324 320, अच्छा आप ऊर्जा 20 बराबर आया समझ में। नेक्स्ट 94 देखो, 94 वाला क्वेश्चन देखो, 94 वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि Fe2O3 क्या बना रहा है Fe+3CO2, द वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन करा दो कार्बन मोनोऑक्साइड से, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है बताओ, 2Fe+3CO2, बैलेंस कर दो, Fe कितना है 2, इधर भी कितना है, अरे बोलो हाँ है ना, ऑक्सीजन कितना है 3, अच्छा कार्बन कितना है 3 ना, इधर कितना है, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 और 3 3 2 6, आई थिंक इट इज बैलेंस ना, तो नाउ यू चेक इन दोनों के बीच का रेशियो क्या हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, 1 मोल ऑफ दिस विल गिव, हो गया आई थिंक, उसने क्या पूछा वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ना, 3 मोल के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 3 into 22.4 कितना होता है, एक छोटी सी करेक्शन है इसे डीएम क्यूब कर दें, कितना ये 40 है ये 20 है, व्हाट इज द रेशियो 1:1, 1:1 रेशियो का मतलब क्या होता है कि इसका 1 ml और इसका 1 ml बराबर ना, अभी कितना है मेरे पास, ये 40 है और ये क्या है, रेशियो के हिसाब से लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ बताओ, ये सबको समझ में आया कि इसका 1 इसका 1 इसका 10 इसका 10 इसका 20 इसका 20 ये खत्म, ये बचा है ना, तो ये क्या माना जाएगा
एक्सेस और ये क्या माना जाएगा? ये समझा सम प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनता है? कंपैरिजन एचसीएल का करूं या अमोनिया का? अमोनिया एक एमएल में, अमोनिया और एनएच फोर सीएल का रेशियो क्या है? मतलब 1 एमएल ऑफ दिस विल गिव बराबर, सो 20 एमएल ऑफ दिस विल गिव हो गया। क्लियर? नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी कर ले फटाफट, इसका रहेगा जो भी। हाँ 97 देखो, 97 भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है फुट वन स्टार, इट शुड बी लेवल टू एक्चुअली, 97 जो है ना वो लेवल टू का होना चाहिए। तुम लोग इतना बोले रहे थे चार कलर की टी शर्ट बनवाई लेके ना, तुम्हारा तो फिक्स है ये कलर, सेम कलर है, तारों का कलर एक्चुअली ये नहीं है, थोड़ा अलग है, बटरफ्लाई का जो कलर है ना, हाँ यस। व्हाइट कैसे? ऐसे के मार्क्स पे ध्यान दें आप अगले वाले को। हाँ लेट्स सी, पहला लाइन देखो, एयर कंटेन्स 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम है बराबर, तो पहले इस लाइन का मतलब समझ लो, नॉर्मली बोला गया तो ये लाइन क्या है कि एयर में 20% ऑक्सीजन होता है बाय वॉल्यूम, 20% का मतलब क्या हुआ उधर मेरे लिए, इस वर्ड का मीनिंग समझो, 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम के टर्म्स में 20% ऑक्सीजन है, 20% को क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 20/100, तो 20 जो है ना वो ऑक्सीजन है बराबर, और कभी भी कोई चीज परसेंटेज में हो ना तो उसकी यूनिट हमेशा स्मॉल होती है, जैसे अगर मास का होगा तो ग्राम में लेते हैं, वॉल्यूम का होगा तो एमएल में लेते हैं, तो मैं इसमें ऐसा बोलूंगा कि 20 एमएल ऑक्सीजन गैस है 100 एमएल एयर में, सबको समझ में आया पहली लाइन का मतलब? इसको इंग्लिश में क्या लिखा गया है, इसको इंग्लिश में लिखा गया कि 20 एमएल ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन 20 ml of oxygen gas is present in 100 ml air. स्टार डाल दिया सबने? हाँ, अच्छा क्वेश्चन। ये पहली लाइन की मीनिंग क्लियर हो गई? फिर आगे क्या पूछ रहा है? How much volume of air will be required for the oxidation of 100 ml of acetylene? Volume of oxygen gas required पूछ रहा है? Volume of air पूछ रहा है? Volume of air. Air में actually कौन oxidize कर रहा होगा? ऑक्सीडाइज तो ऑक्सीजन ही करेगा ना, बाकी तो एयर में क्या है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का नेचर क्या है मालूम है? इनर्ट, बताया तो था मैंने तुम्हें, नाइट्रोजन का नेचर क्या है? तो इस हिसाब से व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एसिटिलीन C2H2, इट रिएक्ट्स विद O2 गिव्स CO2 प्लस कितना कार्बन है बराबर 2 × 2 = 4, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2 × 2 = 4, 4 × 1 मतलब ये कितना होना चाहिए 2.5 यानी, तो उस हिसाब से इन दोनों की रेशियो क्या हो गई 1:2.5, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका 1 ml होगा तो इसका कितना ml लगेगा 2.5, तो अगर एसिटिलीन 100 ml होगा तो ये कितना लगेगा 250, आया ना, सो 250 इज माय आंसर, यस और नो? नो, क्योंकि 250 ml क्या है, उसने क्या पूछा है? इससे एयर के लिए कोई रिलेशन है क्या? हाँ, क्या रिलेशन है? ऊपर लिखा हुआ देखो, 20 ml ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है इसमें 100 ml एयर में, तुम्हारे लिए रिक्वायरमेंट कितनी ऑक्सीजन गैस की है? तो इतनी ऑक्सीजन गैस होगी x ml में, x क्या हो जाएगा बोलो, 100 × 2 / 0.00 बराबर, ये 2 का क्या होगा 12.5 12.5 into
हंड्रेड क्या चीज 125 हाँ अरे बाबा 12.5 200 कितना हो गया 125 समझा नेक्स्ट सीसी सेंटीमीटर क्यूब है मैं सीसी सेंटीमीटर क्यूब नेक्स्ट 100 तो आसान है यार माना जा सकता है हाँ तो इसका एक लीटर या एक एम एल इसका एक एम एल लीटर में तो लीटर में मान लो एक लीटर इसका एक लीटर बोलो ये सुनो और हाइड्रोजन अभी कितना दिया है तुम्हें 12 ये कितना दिया है तो तुम्हारे हिसाब से लिमिटिंग एजेंट कौन बन रहा है पक्का ये क्या माना गया ये क्या माना गया आप रिएक्शन की डील किससे करोगे बराबर ठीक है जितनी देर में ये 11.2 गया जीरो हो जाएगा अरे बोलो हाँ यार ये सामने कितना जाएगा 11.2 बचा कितना बराबर सामने जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किससे मिलेगा Cl2 से कंपेयर करो Cl2 और HCl का रेशियो क्या है इसका मतलब क्या है 1 लीटर ऑफ Cl2 गिव्स हाँ ये मतलब है ना मोल में क्यों जा रहे हो सीधा सीधा वॉल्यूम मानो ना दोनों गैसेस हैं तो 1 लीटर ऑफ दिस विल गिव 2 लीटर ऑफ दैट अरे यस और नो सो 11.2 लीटर ऑफ दिस विल गिव 22.4 अब देख लो क्या क्या पूछा है ये हुआ ना 0.8 लीटर हाइड्रोजन भी और 22.4 लीटर HCl भी ये खाली नहीं हो सकता ये भी तो है 24 तो नहीं बना ना 22.4 बना है ना अरे चेक करो यार हाइड्रोजन कितना बचा है तुम्हारे पास और HCl कितना बचा है 22.4 दैट इज आंसर नेक्स्ट 103 में मैं रिएक्शन लिख के दे रहा हूं तुम ट्राई करो तुरंत आएगा आंसर दिस इज द रिएक्शन जो आपको लर्न करनी है 2Kr plus HgI2 gives K2HgI4 चेक करो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 0.8 रेशियो समझाना उसका
काफी सोचा आपने 102 के लिए, पहले क्या लगा मैं नहीं बता पाऊंगा ऐसा? तो लगा दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, पूछ ही लेते हैं। BACL2 ठीक है, NH3 PO4 है, ठीक है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं इसे, BA3 PO4 ट्वाइस बन रहा है बराबर, NaCl बनेगा बराबर। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव के साथ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव के साथ बराबर। बैलेंस कर दो कितना, 3 मल्टीप्लाई बाय कितना, मल्टीप्लाई बाय 2 × 3 मल्टीप्लाई बाय 3 × 2 इधर भी 6 हो गया ना, आई थिंक बैलेंस है, शायद चेक कर लीजिए एक बार, हो गया खत्म। तो 0.5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल ऑफ Na3PO4, तो व्हाट इज द रेशियो, 5:2 ना, चेक कर 5:2 ही हुआ ना, और इधर का रेशियो क्या है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, 0.5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल ऑफ दिस, कोएफिशिएंट रेशियो क्या है, मोल का रेशियो क्या है, 5:2 ना, 0.5 1.2 5/2, क्या दोनों सेम है अलग-अलग है, लेट्स फाइंड आउट द लेट्स स्टार्ट विद लिमिटिंग एजेंट, BaCl2 कितना दिया हुआ है बोले, 0.5 upon 3, Na3PO4 कितना दिया हुआ है, 0.2 upon 2, ये कितना आएगा, दिस विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 0.1, इतना समझ आया तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसा खाली लिख देने का ग्रेटर देन 0.1, तुम्हें यही चाहिए ना छोटा बड़ा, तो ये छोटा हो गया तो ये क्या माना जाएगा, देयरफॉर Na3PO4 इज, इतने लोगों को ये बात समझ में आ गई, रीज है, हो गया फिर सॉल्व, प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, बोलो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनेगा, बोलो ध्यान देने का ना, क्यों बैठा है देखो, खाली बातें बोलने को बोलो बस, ये काम दिया हो गया नहीं हो पा रहा है, पेज ही चेंज कर दी, पेज नंबर 57 अब हो गया, अभी तो कर दो टाइप तो कर दो 50 नहीं ना, बस अभी ऐसे ही आएगा, तो बात आ गई, अरे एकदम परफेक्ट, अभी कुछ मत करना, कोई बना रहे Na3PO4 से लिमिटिंग रिएक्शन फाइंड आउट क्या करना है, Na3PO4 ट्वाइस कनेक्ट कर दो दोनों को, व्हाट इज द कोएफिशिएंट रेशियो, मतलब इसका दो मोल से एक मोल देगा, अपने पास उसके मूल कितने हैं, 0.2, तो मिलेगा कितना, चेक कर लो, कॉपी करो फटाफट, आगे बढ़िए बाबा, पढ़ाना भी है, ये 97 हो गया कॉपी, डन, 103 पे आ जाओ, वो भी हुआ, 4 बैठ नहीं गया था ना, 104 104 तो मैं आना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसका डाउट है 104, कुछ सॉल्व करो अभी, 104 कुछ करो, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा तो मैं चेक करता हूँ फिर, मल्टीप्लिकेशन एक्सपर्ट, डिवीजन एक्सपर्ट,
आंसर्स वगैरह मार्क नहीं करें मालूम है ना, हाँ सेकंड टाइम थर्ड टाइम प्रैक्टिस करें बराबर से, आंसर्स मार्क मत करो वरना तुम जबरदस्ती वही आंसर प्रूफ कर देती हो। कैसे आता है पता नहीं, 2 by 3 by 3 हो जाता है, बोले 2 को अस्यूम कर लेते हैं, नहीं ये करके 1 है और 1 by 3 का रेसिप्रोकल 3, आंसर इज 3 अप्रोक्सीमेट। अब लोग नया सीख लिए ना, अप्रोक्सीमेट इक्वल हो गया, दिस इज H2। ओके 105 पे आते हैं, ठीक है 104 आप से करेंगे, 105, 30 ml of hydrogen and 20 ml of oxygen to form water. What is left at the end of the reaction? जाके देखना पड़ेगा तुमसे बाबा। What is left at the end of the reaction? H2 plus O2 gives to H2, बराबर? This is the equation. What is the coefficient ratio? अच्छा question है 105. बराबर? मतलब 2 liter मिल के 1 liter? इसके give नहीं, 2 liter will require 1 liter. ऐसा होना चाहिए बराबर। ml में दिया है तो ml में मान लो 2 लीटर एंड 1 मिलीलीटर, मतलब 2 मिलीलीटर एंड 1 मिलीलीटर, ये 30 है वो 20 है, आया ना, इसका रेशियो क्या है, कोएफिशिएंट का रेशियो क्या है, और तुम्हें जो वॉल्यूम दिया उसका रेशियो क्या है, 3:2। क्या तुम्हारा कोएफिशिएंट का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो सेम है? नहीं सर, उधर तो आपने मोल का रेशियो लिखा था, मोल रेशियो कैन बी टेकन एज कैन बी टेकन एज मॉलिक्यूल रेशियो, मास रेशियो नहीं मानते ना। सो लेट्स फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट, बराबर H2O2, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गिवन टू यू, 30, इट शुड बी डिवाइड बाय 2, बोला हां सेम, बोला यस सेम फॉलो कर सकते हैं आप, ऑक्सीजन कितना है 20 अपॉन कितना है 20, तो देयरफॉर आपके पास हाइड्रोजन कितना एम एल है, उसमें क्या पूछा वो, अच्छा क्या बचेगा ना, ठीक है तो वाटर निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि वाटर ऑप्शन में है ही नहीं ना, 2H2+O2 गिव्स आपका जो भी ऑक्सीजन यूज होगा वो किसके अकॉर्डिंगली यूज होगा, दोनों के बीच के रेशियो क्या है, 2 ml 1 ml, इसके 2 ml के लिए इसका 1 ml चाहिए, आपके पास हाइड्रोजन कितना है टोटल 30 ml, तो इसके 30 ml के लिए कितना लगेगा 15, आया ना, मतलब इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन गैस यूजेस 15 ml, किसी भी चीज का रिमेनिंग कैसे आता है, टोटल माइनस यू, इस स्टेप की वजह से ये क्वेश्चन पे स्टार आया है, एक से बड़ा दिया ना उसने, पूछा रिमेनिंग क्या है, हाइड्रोजन तो ए, क्या आप आंसर ए और बी बोलोगे, क्यों बोला, वो इधर ही क्लियर हो गया था व्हेन यू सेड हाइड्रोजन इज, मतलब वो तो जीरो होना है, तो आंसर या तो सी या तो डी, टोटल कितना ऑक्सीजन है तुम्हारे पास 20 है, देखो जरा 20 है ना, ऑक्सीजन यूज कितना कर रहे हो, कितना बचा, तो 5 वाला आंसर है बराबर। अगेन इट इज अ लेवल 2 क्वेश्चन kind of question. Start our next paper. Right there, type 3. Start with the fresh page. Right, type 3. पेज नंबर 35 बाकी है ना, आज कंप्लीट करा देता हूँ, कितने का हुआ था 14 ना, ठीक है आज कंप्लीट करा दूंगा। टाइप 3 लिखा, राइट देयर हेडिंग परसेंटेज हेडिंग, परसेंटेज हेडिंग
Now let us understand what is percentage yield. ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ना जब आप किसी केमिकल रिएक्शन का बात करते हो थ्योरेटिकली ठीक है तो आप क्या करते हो स्टोइकोमेट्रिक्स में डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देते हो बराबर कि देयर इज अ रेशियो ऑफ 1:2 इट मींस 1 मोल ऑफ दिस विल गिव 2 मोल ऑफ दिस सो 10 मोल ऑफ दिस विल गिव 20 मोल ऑफ दिस यस और नो दैट्स अ थ्योरेटिकल पॉइंट बट यही जब एक्चुअली वो रिएक्शन होती है प्रैक्टिकली वो रिएक्शन होती है लैब में वो जब रिएक्शन प्रोसीड होती है तो देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट which can affect the amount of product. आपने सब्सटेंस लिया है, मान लो वो इम्प्योर है, बराबर? आपने कुछ ज्यादा ही उसको हीट कर दिया, या आपने कम हीट किया, बराबर? आपके एक्सपेरिमेंटल जो पॉइंट्स हैं, मतलब जो आप एक्सपेरिमेंटल बातें बोल रहे हैं, ठीक है? जो लिखी हुई है, वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रही है, प्रेशर अलग है, ठीक है? एक्स वाई जेड कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से वो उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं मिल रहा है तो जितना भी मिला वो एक्चुअल अमाउंट हुआ जो पेपर पे था वो कौन सा अमाउंट हुआ थ्योरेटिकल पेपर पे जो भी होता है वो क्या होता है व्हाट इज एक्चुअल व्हाट इज ऑब्जर्व व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल जो लैब में फाइंड आउट किया जाता है ना अरे हाँ है ना तुम अभी पर क्या फाइंड आउट कर सकते हो थ्योरेटिकल या ऑब्जर्व हम लैब में थोड़ी है भाई हमारे पास पेन पेपर है ना तो वही अपनी स्ट्रेंथ होगी समझा मेरा बात एक एग्जाम्पल बताओ एग्जाम्पल ऐसा है कि ए प्लस बी रिएक्ट्स क्योंकि बेबी टू ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा ठीक है मैं बोलता हूं एट टी इक्वल टू 0 मतलब एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन 5 मोल ऑफ ए इज गिवन ठीक है एंड 200 मोल ऑफ बी इज गिवन एबी टू कितना मोल था 0 स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट इज 0 व्हाट इज द कोएफिशिएंट रेशियो व्हाट इज द मोल रेशियो 1:40 सेम है या अलग अलग है मतलब देयर इज लिमिटिंग रिएजेंट बोलो हां या ना लेट्स फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट या तो ए होगा या तो बी होगा व्हाट इज मोल ऑफ ए कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा मोल ऑफ बी 200 डिवाइड बाय कितना देयरफॉर यू एग्री बोलो हां या ना तो ए के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा ए बी टू व्हाट इज द रेशियो बोलो व्हाट इज द रेशियो मतलब 1 मोल ऑफ दिस विल गिव आया ना सो देयरफॉर 5 मोल ऑफ दिस विल गिव आया ना ये 5 मोल क्या है थ्योरेटिकल है या ऑब्जर्व है क्लियर बोला बात अब मैंने क्या बोला मालूम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ab2 एक्सपेरिमेंटली फाउंड बराबर दैट इज ऑब्जर्व सारे वर्ड लिख देगा वो है ये कितना था 5 ना अच्छा चलो मैं पूछता कि अगर ये 10 मोल होता पी क्या हो जाता 10 बाय 1 पी क्या होता 10 स्टिल द लिमिटिंग रिएजेंट इज 1 मोल से 1 मोल तो 10 मोल से 10 ठीक है मैं बोलता हूं कि जो ऑब्जर्व है वो 5 मोल ही है मतलब इस रिएक्शन ने कितना परसेंट परफॉर्म किया बताओ 50% 10 देना था ना 5 ही दिया लाना 720 था 360 लाया तो कितना परसेंट हुआ अरे हाँ ना शुरुआत तो 720 से ही होती है फिर बाद में बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो तक आ जाते हैं चलो ध्यान दो काफी भारी जो है समझ नहीं पाओगे शायद बताओ क्या है बोले हमारे बारे में तो जरूर बता दो ऐसा ये कितना था थ्योरेटिकल ना और ये क्या मिल गया तुम्हें बोलो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व बराबर परसेंटेज कैसे निकला 5 अपॉन 10 सीधा 100 कैसे होता है ये 5 है कितने में से 10 5 आया 10 की जगह ना मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट सी क्या हो गया दिस इज परसेंटेज बोल भी नहीं बारे बराबर सो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100 ठीक है ऑब्जर्व थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100 तो एक नया स्टेप खाली ये आ गया ना उसके लिए आपको उसे कुछ तो डेटा देना पड़ेगा ना आप क्या ढूंढोगे ये थ्योरेटिकल ना दिस इज कैलकुलेटेड ये आप कैलकुलेट करोगे यस और नो
या तो ये ऑब्जर्व देगा या तो इन दोनों में से एक देना पड़ेगा। सर उसने थ्योरेटिकल दिया और ऑब्जर्व और परसेंटेज निकालने बोला तो तब तो 100 ही हो गया ना भाई, मैं थोड़ी लैब में जाके सॉल्व करूंगा, नहीं समझा मेरा बात, तो मैं वहां पे लिख के दूंगा ऐसा कि फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन ईदर आइदर व्हाट एवर यू से एन ऑब्जर्व और परसेंटेज यील्ड should be given, mention, yes or no? एक और देखते हैं, 8 moles of A reacts with 20 moles of B to produce 3 moles of A to B3. Find out percentage yield of the reaction. Theoretical reaction क्या होगी? A, B क्या मिल गए? This is multiply by 3, this is multiply by. तो आपको calculate क्या करना है? आपको क्या क्या दिया है सोचो? इन दो में से कौन सा data दिया उसमें? Observe दिया ना moles. पूछा क्या? Observe है तुम्हारे पास? कितना है A to B3 का? ये क्या है? ये निकालना पड़ेगा प्रोसीजर से, मल्टीप्लाई बाय 100 यू विल गेट द आया समझ में? ये निकालने का तरीका मालूम है तुमको कैसे? सॉल्व करके बता, तू क्वेश्चन देखो उसके बाद फटाफट। हाँ सॉरी कर लो, नहीं आपका क्या है? 75% is the correct answer. This will give you the 4 mole. 3 by 4 multiplied by 100 is the 75. फटाफट कॉपी करेंगे, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देता हूं मैं। रेटिंग अच्छा है आपका, एकदम मेरे जैसा। पढ़ के आने का बताता बहुत हंसी आ रही है। अरे बाबा ए प्लस टू बी टू ए बी थोड़ी गलती नहीं, पूरे बोर्ड पे देखा इधर कोई कटपिट नहीं है, सब एक बार में बराबर लिखा हुआ। जल्दी लिखो बाबा, टाइप फोर बाकी है अभी तक। हाँ इतना क्वेश्चन पूछोगे तो मैं तो क्या पता तुम इतना डाउट पूछ रहे हो। सबसे शुरुआत पीसीएम बैच से होती है, पीसीएम बैच के सबसे लेस नंबर ऑफ डाउट्स होते हैं, 3-4 से ज्यादा पूछते नहीं हो, सब किए रहते हैं। हाँ नहीं नहीं
अच्छा करते हो लोग, ऐसा नहीं कोई अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए ना। मैथ्स अच्छा है तो फिर कैलकुलेशन फास्ट होती है ना, हम कहीं कहीं उसके लिए अटक जाते हैं कैलकुलेशन की वजह से। तो उसका ये सॉल्यूशन क्या है, उस कैलकुलेशन को समझ लेगा उसका वैसे ही प्रैक्टिस करने का, फिर तो धीरे धीरे आ जाएगा। 0.25 लिखा है तो 1/4 लेते हैं, ऐसे सब सोचेंगे तो फट से सॉल्व हो जाता है। वन अपॉन वन बाई टू को तुम टू बोलते हैं, अरे वो क्या बोल रहे थे तुम, उसको अलग ही बोल रहे थे, तो ऐसा थोड़ी होएगा बाबा। नेक्स्ट टर्म में चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म अगला जब वीक आऊंगा ना उसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, फिर उसके अगले वीक इसकी प्रैक्टिस लूंगा, तब तक नोट्स भी आ जाएगी स्ट्रक्चर पैटर्न, उस वीक में टेस्ट भी होगी ना तुम्हारी। कॉम्बिनेशन नहीं हुआ तभी भी केमिस्ट्री नहीं होगा ना, सब चैप्टर पढ़ना चालू कर दूंगा अगला में। लेवल टू तो बाकी है ना इसका, ऐसी वाली भी सुननी रहेगी तभी भी चालू करके रखेगा कि हाँ मजा आया मजा आया। हाँ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता चालू है या बंद है। 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 10 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस अमोनिया। अब इतना ही अगर क्वेश्चन पूछे तो ये बेसिक सिंपल टाइप हो गई ना एकदम, टाइप टू। टाइप थ्री करने के लिए उसने क्या किया, आगे एक पॉइंट दे दिया, इफ रिएक्शन रेट इज 60%। घूम गया क्वेश्चन उधर ही, इस बार उसने क्या दिया है, ऑब्जर्व मोल या परसेंटेज एंड। हाँ तो परसेंटेज एंड, तो वो ऑब्जर्व मोल पूछना चाहता है। देखो आगे, find out 60%, 60, if percentage yield is 60%, find out the number of moles of ammonia formed. The number of moles of ammonia formed. शुरुआत कैसे होगी, ऑब्जर्व मोल निकालना है ना, ऑब्जर्व के लिए तुम्हें क्या चाहिए, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल शुड बी कैलकुलेटेड, स्टार्ट। थ्योरेटिकल के लिए तो वही रूल है, पहले रिएक्शन लिखा, क्या सोच रहे फटाफट रिएक्शन लिखो, जब तक तुम रिएक्शन लिखोगे कोई आंसर बोल देगा। N2+3H2+2NH3 व्हाट इज द कोएफिशिएंट रेशियो, 1:3। What is the ratio given to you? 5 or 10? 1:2. Are they equal? No. It means it is an example of limiting reagent. मतलब it involves the case of limiting reagent. Find out the limiting reagent. Immediate. Sir, N2 कितना? आपने कितना लिया? 5 liter. 5. Volume है ना? तो अपन मोल के रेशियो की तरह मान के चल रहे उसको। नाइट्रोजन इज द, हाँ फटाफट आगे बढ़ो, बताना नहीं है, जो आंसर है आगे बढ़ते जाओ। गलत किया फिर आपने, 3। हाँ हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। कितने लोग आंसर यहां तक पहुंच गए, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, वेरी नाइस, क्विक, within 3 कितना 5 सेकंड में आंसर बोल रहे हैं। 1 2 4, यस शाबाश, 3। फोर
5 6 5 नहीं 7 8 9 10 कितने लोगों ने अमोनिया के मोल निकाल लिए एक्चुअल ये थ्योरेटिकल वाले हाँ जो है थ्योरेटिकल मोल कितने मिल गए हाँ बस उनका आ जाना चाहिए three wrong answer है 4 is the correct answer. हाँ मैं बता दूँ देखो. See you guys. ठीक है. Volume का issue क्या था? 5/10 है. मतलब 1:2 ना? कोएफिशिएंट रेशियो और वॉल्यूम रेशियो सेम है अलग अलग है अगर आप इतना भी नहीं कर पाए तो आप जल्द से जल्द मिले बाबा हाँ फिर कोई बताता हूँ ये स्टेप तो हुआ है ना फिर क्या फाइंड आउट किया तुमने ये इक्वल नहीं मतलब लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट है ना एन टू और एच टू कितना एमएल दिया मतलब वॉल्यूम दिया 5 अपॉन 1 एच टू 3.33 the ratio would be smallest for the limiting reagent कितने लोग यहाँ तक पहुँच गए nice let's compare hydrogen and ammonia क्या ratio बता 3:2 तुम्हारे पास hydrogen के कितने मोल हैं ये क्या हो जाएगा 20/3 कितने लोग यहाँ तक पहुँच गए या 6.66 जो भी लिखा हुआ है ये कौन से वाले मोल हैं थ्योरेटिकल ना क्या ये आंसर है ये आंसर तब होता अगर वो 60% वाली बात नहीं लिखी होती ना ये आंसर तो कब होता है जब 100% एड होती है ना अरे बोलो यार आज अब परसेंटेज एड इज इक्वल टू मोल ऑब्जर्व अपॉन मोल थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज एड कितनी है 60 ऑब्जर्व क्या है x थ्योरेटिकल क्या है 20/3 मल्टीप्लाई बाय क्या मैं 3 को ऊपर भेज सकता हूं 3x/20 × 100 ये 60 बराबर सही है चेक करो जरा 3 ऊपर गया ना 3x नहीं नहीं कुछ तो गलत है वैसा नहीं सीधा 20/3 ये कितना दिया परसेंटेज एरर 60 दिया तो क्या गलत हो गया 60 इज इक्वल टू 3x अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय बराबर ये कितना हो गया 5 ये कितना हो गया 12 सही है 12 इज इक्वल टू 3x ना तो x इज इक्वल टू 4 इज द आंसर कितने लोगों का आ गया था आंसर ठीक है नाइस समझ गए अरे हाँ या ना चलिए नेक्स्ट टाइप 4 परसेंटेज प्योरिटी नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज परसेंटेज प्योरिटी मान लो मैं कॉइन की बात कर रहा हूं हुज मास इज 10 ग्राम एक कॉइन है सिल्वर कॉइन है
जिसमें बोला गया कि आपको ऐसा बता के दिया गया कि सिल्वर कॉइन है 10 ग्राम का, मतलब 10 ग्राम सिल्वर है, बट एक्चुअली भी इम्प्योर है, और अंदर जो इम्प्योरिटीज है वो इनर्ट है, इनर्ट मतलब समझता है जिसका रिएक्शन नहीं होगा, जो रिएक्टिव नहीं है। तो ऐसा बोला गया कि इसमें सिल्वर के साथ ना सम इम्प्योरिटीज जो एंड दोस इम्प्योरिटीज आर इनर्ट इन नेचर, ठीक है। अब असली में 10 ग्राम सिल्वर नहीं है ना, बट तुमसे जो पैसा लिया गया वो 10 ग्राम सिल्वर का लिया गया, समझ रहे धोखा हो गया है। अंदर मालूम पड़ा कितना सिल्वर है तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है, तुमने क्या किया सिल्वर कॉइन को एक ऐसे सूटेबल रिएजेंट में डाला जिससे सिल्वर रिएक्ट होता हो, तो अंदर जितना भी सिल्वर होगा उससे रिएक्ट हो जाएगा और एक प्रोडक्ट बना देगा, आया ना। क्या उस प्रोडक्ट से आपको पता चल जाएगा कितना सिल्वर है अंदर? बोला हाँ। जैसे मान लो मैंने बोला 1 मोल सिल्वर क्लोराइड बना, कितना मोल बना? सुनना ध्यान से, इसी में से ये कॉइन को मान लेते हैं 200 ग्राम, कितना? ठीक है, मैंने बोला इसमें से इसको सूटेबल रिएजेंट से रिएक्ट करा है, 1 मोल सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म, 1 मोल सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर कितना है? 1 मोल है, 1 मोल सिल्वर का मास क्या होता है? 108 ग्राम, आया ना। मतलब 200 ग्राम सिल्वर कॉइन में असली में सिल्वर कितना है? 108, तो 108 अपॉन मल्टीप्लाई बाय इज द परसेंटेज प्योरिटी, नहीं समझा? 10 ग्राम में मान लो 3 ग्राम ही सिल्वर मिला तो कितना परसेंट प्योर हुआ? 3 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100, हां मतलब उसका जो एक्चुअल मास है अपॉन टोटल मास। मैं डेफिनेशन ये कैसे लिखूंगा, फॉर्मूला बोलो परसेंटेज प्योरिटी का, उसका जो एक्चुअल मास है अपॉन हाँ टोटल मास मल्टीप्लाई बाय, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि जिसकी बात आप कर रहे हो वही रिएक्ट होगा ना अंदर, तो द मास विच रिएक्ट्स। अरे नहीं समझा, अंदर रिएक्ट कौन हुआ? सिल्वर, कितना रिएक्ट हुआ? 108, इसलिए तो बाहर आया ना, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, बोलने का स्टाइल ऐसे भी तो हो सकता है, मास रिएक्ट अपॉन मल्टीप्लाई बाय, आया समझ में बात? से समथिंग या सुनो, इसको देखो मैं कैसे बता रहा हूं, एक क्वेश्चन बता रहा हूं इसके ऊपर, एग्जांपल एग्जांपल सुनना। फाइंड आउट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन After heating 200 ग्राम of CaCO3, क्या ये नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है कि कुछ अलग लग रहा है? बोला ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, टाइप 1 का न्यूमेरिकल है ये, मास मास वॉल्यूम रिलेशन वाला, आंसर बोल सकते हो इसका? बोलो। 88। यस। CaCO3 क्या देगा? CO plus CO2 बैलेंस है। One mole of this give one mole of that. One mole of CaCO3 is 100 gram. तो 100 gram का 44 gram हुआ carbon dioxide. 100 का 44 तो 200 का 88. ये normal question था. अब इसमें थोड़ा तड़का लगा, देखो. If find out the mass of CO2 obtained after heating 200 gram of CaCO3. If CaCO3 is 50% pure. अगर CaCO3 50% प्योर है तो पचास परसेंट ही प्योर है ना, तो प्रोडक्ट 50% ही बनेगा, तो 200 ग्राम में टोटल कितना बन रहा था? 88, और 50% प्योर निकला तो कितना बना? ये चीज मैं इसके सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है? देखो स्टार्ट, CaCO3 की व्हाट? कम ऑन, CaO प्लस व्हाट इज द रेशियो? यहाँ पे मास लिखना है या वॉल्यूम लिखना है? मास। क्या दोनों लिख सकते हैं या कुछ और ऐसा रूल है? बोला लिख सकते हैं, बट आपको पूछा क्या गया वो देखो, क्या पूछा है? मास। सामने का क्या दिया है? मास। तो 100 ग्राम ऑफ दिस विल गिव, तो 200 ग्राम ऑफ दिस विल गिव, ये कब होगा? व्हेन द रिएक्शन इज व्हेन दिस 100% प्योर ना, यस और नो? तुम आ जाओ तुम्हारे फॉर्मूले में, परसेंटेज प्योरिटी, एक्चुअल मास टोटल मास, ये जो 88 आया ये कौन से वाले में? एक्चुअल में या टोटल में? टोटल।
ये बात ध्यान देना, प्योरिटी कम होगी तो मास कम होगा, बढ़ेगा नहीं। अरे नहीं समझा, चलो ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी तो दी है ना तुम्हें, कितनी दी है? 50, इधर 50 लिख दो। तुम्हारा टोटल मास कितना लग रहा है? इंटू ये क्या हो गया, 50 इंटू अपॉन इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स, आंसर क्या आ गया? सीधा सीधा समझ गया सर, मैं इसको तो ऐसे भी बोल सकता था कि अगर वो 100% प्योर है तो 88 ग्राम ले रहा है, अगर वो 50% प्योर है, यूनिटरी मेथड ही वो, बोलो 88 ग्राम वो टोटल बनना चाहिए था ना, अगर वो 100% प्योर होता तो वो टोटल मास होना चाहिए था 100, इफ द कंपाउंड इज 100% प्योर इन दैट केस परसेंट इंप्योरिटी 100 कब होगी, जब एक फिर टोटल एक ही हो ना। आया समझ में? बस कॉपी कर, क्वेश्चन देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, विल लीव यू विद इन 5 टू 6 मिनट्स, ऑल डिपेंड्स आप कितने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे।